हेलो डियर, कैसे आप सर? मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान इसी चैनल। और आज हम लेके आए हैं आपको रेविजेशन प्लांट के अंदर। रेविजेशन प्लांट की सर्कुलेशन कैसी होती है, कैसे उसकी रेविजेशन साइकिल होती है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पीछे है स्क्रू कंप्रेसर, और इसकी वर्किंग कैसी है, कैसे ये काम करता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सक्शन लाइन आई हुई है। तो सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर क्या करता है, सक करता है, जो कि रेविजेंट क्या करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को सक करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद हमारा यहाँ से ये जो लाइन है, ये हमारा डिस्चार्ज है, और ये डिस्चार्ज हमारा जाता है ऑयल सेपरेटर के अंदर। ये क्या है, ऑयल सेपरेटर है। ऑयल सेपरेटर के अंदर हमारा काम क्या होता है, जो गैस हमारी गैस और ऑयल दोनों को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। और इसी के साथ ये दिया हुआ ऑयल कूलर। अब ऑयल कूलर का यहाँ पे काम क्या है, जो हमारे कंप्रेसर में ऑयल होता है उसको कूल करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल कूलर का यूज किया हुआ है। और ऑयल को कूल करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट का यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो नीचे से इन हो रहा है, नीचे से इन होकर जो ऑयल को ठंडा करने का काम किया जा रहा है। और सेकेंड पॉइंट से वो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, जहाँ से हमारा ऑयल ठंडा होने के बाद आउट हो जाता है। और थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक सेफ्टी दी हुई है। एक सेफ्टी किसकी अकॉर्डिंग दी हुई है, कि अगर बाय द डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाता है तो सेफ्टी हमारी फट जाएगी। और ये सेफ्टी का मैं बताना चाहूँगा, 270 PSI पे वर्क करती है। अगर हमारा डिस्चार्ज प्रेशर 270 PSI से ज़्यादा हो जाता है तब ये सेफ्टी हमारी ओपन हो जाएगी। अब जैसे हमारा कंप्रेसर वर्क कर रहा था लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर में। अब कंडेंसर की लाइन हमारी कौन सी है, जैसे कि हमारा ये डिस्चार्ज है, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, मतलब ओवर सेपरेटर के बाद की लाइन हमारी गई हुई है, ये सीधा हमारी गई है कंडेंसर में। और कंडेंसर में हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को वेपर से लिक्विड में चेंज करने का काम किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं कंडेंसर की ओर, और फिर हम आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो। अब ये जो लाइन आई है हमारी, ये कंडेंसर के अंदर आई है, जो है कंप्रेसर का डिस्चार्ज। अब इसके आगे क्या होता है, इसके अंदर आगे देखोगे आप, ये हमारा कंडेंसर है, ऑपरेटिव टाइप कंडेंसर। इसके अंदर ये पाइपलाइन है, इसके अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट चलता है, और रेफ्रिजरेंट चलता है कौन सा, वेपर रेफ्रिजरेंट। और इसको लिक्विड बनाने के लिए ऑपरेटिव टाइप कंडेंसर है, तो इसमें हवा और पानी दोनों का यूज किया जाता है। अब इनके लाइनों के अंदर आप देखेंगे, ये जैसे ओपन है, इसके अंदर हम लगाते हैं स्प्रे नोजल्स। ये हमारी स्प्रे नोजल है जो इस लाइनों में लगती है, और इसके द्वारा जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वेपर से लिक्विड के अंदर चेंज होने का काम किया जाता है। ये इस प्रकार इसमें लगाई जाती है, जो कि पानी का स्प्रे करता है। और इसके बाद अगेन हमारा रेफ्रिजरेंट क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ से हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो आउट होता है नीचे से, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पूरी तरह से रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज होके ये इस प्रकार एक हेडर में ले लिया जाता है, और ये वापसी कहाँ जाता है, रिसीवर के अंदर चला जाता है। तो कंडेंसर के बाद हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है इस लाइन में, ये लाइन हमारी लिक्विड लाइन है। अब लिक्विड लाइन इसकी वायर के द्वारा हमारा आता है HP रिसीवर के अंदर। अब रिसीवर का काम क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आया लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद आवश्यकता अनुसार उसको आगे पहुंचाता रहता है। मैंने एक और वीडियो में बात की थी कि रिसीवर से गैस चार्जिंग कैसे करते हैं, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहा है और इसके अंदर सारा स्टोर हो रहा है, अब जब इसमें से रेफ्रिजरेंट हमें आगे भेजना हो तो उसके लिए वाल्व ओपन करते हैं, जो भी वहाँ पे दी हुई है, तो उन वाल्व के द्वारा रेफ्रिजरेंट हमारा आगे जाता है। लेकिन हमें अगर गैस चार्जिंग करनी हो तो हम उस वाल्व को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, और इस वाल्व को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ताकि हमारा रेफ्रिजरेंट घूम करके इसके अंदर आए। ये हम कब करेंगे, जब हमें गैस चार्जिंग करना हो, ये वाल हम बंद कर देंगे, वो वाल ओपन रखेंगे। लेकिन हमें अब गैस चार्जिंग नहीं करनी, तो हमारा ये वाल ओपन रहेगा और वो वाल हमारा अकॉर्डिंग टू प्लांट ओपन रहेगा। अब इसके बाद हमारी जो लाइन है ये हमारी जाती है LP रिसीवर में। अब LP रिसीवर क्या होता है, LP रिसीवर हमारा एक इस प्रकार होता है कि हमारा जो रिसीवर है, रिसीवर के बाद एक्सपेंसर वाल लगता है, जो क्या करता है, हाई साइड से लो साइड में चेंज करता है। अब LP रिसीवर हमारा एक एक्यूमुलेटर होता है, जिसको हमने रेजिस्टेशन प्लांट में LP रिसीवर का नाम दिया गया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन वाल लगा होता है। अब एक्सपेंशन वाल कैसा है या कैसे वर्क करता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब LP रिसीवर के बाद हमारा होता है असेंबली लगी होती है, जिसमें एक्सपेंशन वाल लगी होती है। अब वहाँ पे हमारी असेंबली लगी है, जिसके अंदर हमारी एक्सपेंशन वाल लगी होती है। तो ये हमारा क्या काम करता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करने का काम करता है। और इसके बाद क्या होता है, आइए हम देखते हैं।
अब एलपी रिसीवर में जब हमारा एक्सपेंसर लग जाता है तो उसके बाद जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और उस ठंडे रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं अमोनिया पंप का। अब अमोनिया पंप का काम क्या होता है, अब देखो ये हमारा क्या एलपी रिसीवर या एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर के अंदर हमारा क्या होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ये क्या करता है सक करता है, और जहाँ पे भी हमें कूलिंग करनी है, जहाँ पे भी हमारा ऑपरेटर लगा वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है, क्योंकि अमोनिया प्लांट है, बड़े बड़े दूर दूर जगह पे कूलिंग करनी होती है, तो उसके लिए रेफ्रिजरेंट अकेले नहीं जा सकता, उनके लिए अमोनिया पंप का यूज किया जाता है। तो अमोनिया पंप क्या करता है, हमारे एक्यूमुलेटर से गैस को सक करता है और आगे भेजता है, और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, कहाँ पे भेजना है कहाँ पे नहीं भेजना, तो उसके लिए अलग अलग लाइनें दी होती हैं, अलग अलग लाइनें, जैसे रूम वन, रूम टू, रूम थ्री, रूम फोर, तो हम उनकी क्या करते हैं वाल ओपन करते हैं। अब वाल के लिए हमने क्या किया, ये असेंबली बनाई हुई है, ये असेंबली बनाई हुई है, जैसे इस लाइन से हम क्या करते हैं वाल दी हुई है और उनको ओपन एंड क्लोज करते हैं कि कहाँ पे हमें कूलिंग करनी है कहाँ पे कूलिंग नहीं करनी, और वहाँ से हमारा अगेन रिएक्शन कहाँ आएगा, मतलब वहाँ पे कूलिंग होने के बाद, ब्लोअर द्वारा कूलिंग होने के बाद दोबारा वेपर इसी एक्यूमुलेटर के अंदर आएगी, और एक्यूमुलेटर से वेपर सक कर लेता है कंप्रेसर, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगेन रहता है इसी के अंदर। तो ये थी हमारी आज की रेफ्रिजरेशन साइकिल, और मैं आशा करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करूँगा ऐसी और वीडियो आपको दें, और साथ में एक नई वीडियो, छोटी सी वीडियो भी आएगी ऑयल एप्लीकेशन, मतलब ऑयल एप्लीकेशन क्या होता है, जब हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर ऑयल ज़्यादा हो जाता है या हमारे ऑपरेटर में ऑयल ज़्यादा होता है तो उसको कैसे मूव करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, और आप देख रहे थे रोहित मासा, रोहित मासा चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।